अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के आम बैठक हुई और इस बैठक के अंदर दो पदाधिकारियों का चुनाव है सर्वसम्मति से। एक तो भाई दलवीर संधू जी जो गक्सीना गांव से हैं, इन्होंने अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति जिला करनाल का अध्यक्ष चुना गया। दूसरे रिटायर्ड हेडमास्टर ओम प्रकाश ये सूरजमल जी हैं बड़ा गांव से, इनको जो जसैया के अंदर 25 एकड़ में अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तत्वाधान में छोटूराम धाम का निर्माण चल रहा है जाट सेवा संघ के रजिस्ट्रेशन के अंदर, उसके ट्रस्टी चुने गए हैं। पहले ट्रस्टियों का टाइम पूरा हो चुका था, तो दो तो ये पदाधिकारियों का चुनाव, दूसरा दो बातों दो प्रस्ताव सर्वसम्मति से। आज का जो विषय था हमारा वो ये था, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन मुकदमों से सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि वो मुकदमे समझौते के हिसाब से सरकार तुरंत वापस ले। आज तक सरकार ने केवल यशपाल मलिक जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके ऊपर मेहरबानी दिखाते हुए 27 मई 2016 को जो जींद की जाट धर्मशाला में देशद्रोह का केस हुआ था उनके ऊपर से तो ख़त्म किया। हजारों मेरे जैसे भी और दूसरे भाई हैं उनके ऊपर आज भी मुकदमे चले भी हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना वादा सरकार निभाए और हमारे मुकदमे वापस करें। दूसरा, यशपाल मलिक को हमारे जाट सेवा संघ के चेयरमैन से किसान आंदोलन के अंदर गैर जिम्मेदाराना भूमिका निभाने के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष से 19 दिसंबर को और संस्थान से भी हटा दिया गया है। और अब वो आदमी, हम यहाँ से खुली समाज की तरफ से कह रहे हैं, बंद कमरों में बैठ करके दिल्ली से समाज को या संस्थान को चलाने का प्रयास ना करें। समाज का विश्वास खो चुके हैं, अविश्वास एक बहुत बड़े रोष की लहर समाज के अंदर है। इसीलिए आज यशपाल मलिक खुले मन आता दिल्ली से ऑपरेशन करने के चक्कर में, हम उसको भी ये बता देना चाहते हैं कि ये समाज बहकावे में अब नहीं आएगा। काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती और ये समाज समझ चुका है, हम अपना निर्णय ये समाज खुद लेगा, दिल्ली से ऑपरेट नहीं होगा। ये आज का विषय। क्या कहेंगे आपको, आज नया पद मिला है, क्या रहने वाली आपकी नीतियाँ? मैं दलवीर सिंह गक्सीना से, मेरे को आज भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का जिलाध्यक्ष करनाल जिलाध्यक्ष बना गया है। मैं तेज बोलो, तकड़े आदमी हो। मैं आपके दर्शकों का और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पहुँचे सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। क्या अहम भूमिका रहने वाली है जो दूसरे अध्यक्ष नहीं कर पाए? देखो, अशोक बलारा अपने राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय तनमंदन से पूरे जज्बे के साथ अपने पद पर रहकर पूरा काम करूँगा। क्या नाम है आपका? दलवीर संधु। क्या कहेंगे जी आप? जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है मैं उसको पूर्ण रूप से पूरा करूँगा और जो मलिक साहब ने जो कुछ समाज के साथ धोखा किया है उसका जो है उसका पूर्ण ये समाज पूर्ण तो जवाब देगा।